Assalamu alaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you are watching Aptitude Maths Video Lectures on Mathflix by Hashim Zia. बच्चों हम लोग रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लेक्चर नंबर 1 बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे और चूंकि हमारे एप्टीट्यूड मैथ्स के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैप्टर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं तो कुछ चैप्टर्स में कुछ चीज़ें रिमेनिंग थी, अब वो मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में आपको समझा रहा हूँ। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारा एक टॉपिक डिमोवर्स थ्योरम का या CIS बेस्ड थ्योरम का या आर्गूमेंट का टॉपिक और इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें रिमेनिंग थी, तो इंशाल्लाह आज उन तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। जब कभी आप डिमोवर्स थ्योरम का जहन में आता है तो आपके जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती होंगी। जब कभी आपके जहन में क्या आता होगा डिमोवर्स थ्योरम, तो आपके जहन में काफ़ी सारी बातें आती होंगी कि डिमोवर्स थ्योरम है, आर्गुमेंट होगा, एंगल होगा, पता नहीं। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बच्चे को इस थ्योरम से मसला होता है कि थ्योरम क्या कर रहा है सर कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक के अंदर, और इस थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं क्या। बिल्कुल मेरा बेटा, कोई भी यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी के अंदर इस थ्योरम के क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरम क्या है। बिलीव मी, बहुत मज़े का थ्योरम है। फॉर एग्जाम्पल, पी मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पी मेरे पास कोई भी पावर है, कोई भी पावर मेरे पास एक पी आ रही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास आ रहा है आर इंटू कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, और इस टर्म के ऊपर ये पावर पी आ रही है, तो डिमोवर्स थ्योरम कहता है कि अगर मेरे पास एक सिंपल सा एक आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ रहा है और उसके ऊपर कोई पावर आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू डिमोवर्स थ्योरम, ये डिमोवर्स साहब ने प्रूफ करके बात बताई कि जो पावर होगी ये इस आर के ऊपर जाएगी और ये पावर बारी बारी दोनों एंगल्स के अंदर जाएगी। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि डिमोवर्स थ्योरम ये बात कहता है कि अगर आपके पास r cos theta plus i sin theta आ रहा है और बाहर कोई पावर है, कोई भी रियल नंबर है, वो पावर ना सिर्फ r की पावर जाके बन जाएगी बल्कि वो पावर कॉस और साइन के साथ एंगल के अंदर जाएगी। उनकी पावर नहीं बनेगी, एंगल के अंदर जाएगी। किस तरीके से, आइए देख लीजिए। इस तरीके से ये बन जाएगा आर की पावर पी इंटू कॉस पी थीटा प्लस का आई साइन पी थीटा, इस तरीके से बन रहा होगा। ऑब्वियसली ब्रैकेट ओपन होगा तो आर की पावर पी बारी बारी से मल्टीप्लाई भी हो सकती है, बट वो ऑब्वियसली सी बात है। वो तो क्या कहा, डिमोवर्स थ्योरम एक छोटी सी बात करता है। आपको एक बात मेरी बेसिक से क्लियर है तो आपको डिमोवर्स थ्योरम समझ में आ गया बेटा। क्या कहा मैंने कि सिंपल तरीके से डिमोवर्स थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास कभी भी कोई पावर आ रही हो और अंदर आर इंटू कॉस प्लस आई साइन थीटा है, तो पावर बारी बारी पहले आर की पावर पे जाएगी और फिर कॉस इंटू साइन के एंगल्स में चली जाएगी। ये बात बहुत सिंपल सी, आई होप तमाम स्टूडेंट्स को इतनी सी बात क्लियर हो। अब देखिए बेटा, मैं इस बात को आपको एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ रहा है, दैट इज जेड इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कंप्लीट ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, और होल पावर में क्या आ जाता है एन। ये पावर में जो एन आ रहा है ये इसकी पावर है, पावर कहलाती है। ये आर कोई भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी लेंथ हो सकती है, और एंगल को नॉर्मली हम आर्गुमेंट कह रहे होते हैं इस डिमोवर्स थ्योरम के अंदर। क्या कह रहे होते हैं बेटा, आर्गुमेंट कह रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है इसको। अब जब इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा होगा जेड की पावर, जेड इज इक्वल टू आर की पावर में एन आ गया, और ये जो पर्टिकुलर पावर है ना एक बार तो इस आर के ऊपर जाएगी और फिर ये इस पूरी टर्म पे अप्लाई होगी। इस टर्म पे जो अप्लाई होती है वो डिमोवर्स साहब ने प्रूफ करके दिखाया था। कैसे प्रूफ कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई कॉस, ये जो पावर है ये इस एंगल कॉस के साथ भी जाएगी और साइन के एंगल के साथ भी जाएगी, तो क्या बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस का आई साइन एन थीटा, दैट्स द केस। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो मेरा बच्चा यहाँ पे जो पर्टिकुलर आर की पावर एन है अंदर वाले पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या बन जाएगा आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस का आर की पावर एन आई साइन एन थीटा। इस तरीके से फाइनल रिप्रेजेंटेशन होती है डिमोवर्स थ्योरम की। अब ये थ्योरम क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेरा बच्चा इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होंगे, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने कुछ बेसिक बातें मेरी याद रखनी है। की पॉइंट नंबर 1, CIS स्टैंड फॉर डिमोवर्स थ्योरम ही होता है। कभी भी आपके सामने CIS लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब डिमोवर्स थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म होती है। क्या कहा, CIS क्या होता है, डिमोवर्स थ्योरम की शॉर्ट ट्रिक। CIS बेसिकली स्टैंड कर रहा होता है हमारे पास कॉस प्लस के आयोटा साइन थीटा को। क्या कहा मैंने, CIS क्या स्टैंड करता है, कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा को। बहुत बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए डिमोवर्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को CIS से रिप्रेजेंट करवा के देता है, तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना मेरा बेटा। अच्छा, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखने का तरीका क्या है, जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आर CIS थीटा
और बाहर एन, ये भी डिमोवर्स थ्योरम ही है। सीआईएस क्योंकि स्टैंड क्या करता है, डिमोवर्स नहीं कर रहा होता है। या फिर इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, जेड इज इक्वल टू आर की पावर एन सी आई एस एन थीटा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब जहन में आ रहा होगा सर ये आर या थीटा की वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है, जहन में क्या आ रहा होगा सर ये आर और थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो आइए अब जरा आर और थीटा की वैल्यू को पहले फाइंड करना सीख लेते हैं और फिर अपने आगे क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको पता होना चाहिए, लेट जेड इज, जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अगर मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरा बेटा इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही मजे का फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और एंगल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए। यानी कि इसको क्या कह सकता हूं मैं, सिंपल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। क्या कहा, आर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और थीटा के लिए क्या होता है, आर्गुमेंट के लिए क्या होता है, एम्पलीट्यूड के लिए क्या होता है, सिंपल एम्पलीट्यूड सिंपल आर्गुमेंट के लिए टेंजेंट इनवर्स बी डिवाइड बाई ए। अच्छा अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये ए या बी यहां पे डिमोवर्स थ्योरम में कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकालेंगे मेरा बेटा। कैसे निकालेंगे जरा गौर से देखिए, आपके सामने जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इस क्वेश्चन को लेकर आया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो मैं आपके सामने लेकर आया, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए मेरा बेटा, जरा गौर से देखिए। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास ए क्या होता है हमेशा रियल पार्ट, ए क्या होता है रियल पार्ट, आयोटा वाले पार्ट को क्या कहते हैं इमेजनरी पार्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी ए की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो ए क्या होगा सिंपल आर कॉस थीटा, ए क्या होगा सिंपल आर कॉस थीटा, बी क्या होगा सिंपल आर साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज आपको लाजमी मालूम होने चाहिए डिमोवर्स थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑल दो क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते कि सारी चीजें यूज हो रही होंगी, अभी आगे चल के आप सीआईएस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि वो कितने ईजी आते हैं, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं आता, चाहे वो नस साइड पे है, चाहे वो यूडी साइड पे है, चाहे वो मेहरान साइड पे हो, चाहे वो एनईडी साइड के ऊपर हो, मगर ये बेसिक फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। और मैं आपको इसके क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा भी अभी कि भाई सिंपल तरीके से आप डिमोवर्स थ्योरम के अंदर चीजों को कैसे निकाल सकते हो, कि आपको सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, लेट सपोज आपको जेड की वैल्यू गिवन है, अभी चलो मैं आगे चलकर करवा भी देता हूं, 3 इंटू कॉस 60 प्लस का साइन 60 डिग्री। तो यहां से आप कैसे निकालोगे, आपका आर कॉस थीटा क्या होगा, 3 इंटू कॉस 30 आपका ए होगा, 3 इंटू आई साइन 60 आपका क्या होगा बी होगा। जब आप बी की वैल्यू ले रहे होंगे तो यहाँ पे आयोटा नहीं लेते क्योंकि ये आप सॉल्व करने के ऊपर लेके जा रहे हैं मैग्नीट्यूड के लिए। क्या कहा मैंने, अगर आपका सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ए क्या होगा रियल पार्ट, बी क्या होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं इमेजनरी पार्ट। और फिर आर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी डिवाइड बाय ए। तो आइए जरा ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एनईडी साइड, नस साइड, यूईटी साइड पूछे जा चुके हैं। अच्छा तो बेटा अब आपकी आसानी के लिए इस डिमोवर्स थ्योरम को समझाने के लिए मैंने दो तरह के क्वेश्चन लिखे हैं, एक सिंपल क्वेश्चन और एक फिर डिमोवर्स थ्योरम का मुश्किल क्वेश्चन, कि हम किस तरीके से इस डिमोवर्स थ्योरम को, इस आर्गुमेंट के क्वेश्चंस को, इन पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस को समझ सकें, क्योंकि तमाम बातें एक ही चीज से लिंक करती हैं, दैट इज डिमोवर्स थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है z इज इक्वल टू माइनस वन माइनस का आयोटा रूट थ्री, मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है क्या z इज इक्वल टू माइनस वन माइनस का आयोटा रूट थ्री, और मुझसे कहा जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका r और थीटा कैलकुलेट करके बताओ। मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका, क्या आ रहा है मेरे पास z इज इक्वल टू अगर माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री, मैंने आपसे क्या कहा इसके अंदर से जल्दी से फिगर आउट कर लेता हूं a वाला पार्ट कौन सा है, b वाला पार्ट कौन सा है, a का मतलब क्या है रियल पार्ट, b का मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट, चाहे वो सिंपल टर्म हो चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हो, रियल पार्ट कौन सा होगा इसके साथ आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा इसके साथ आयोटा मौजूद होता है, तो ए क्या हो गया सिंपल तरीके। तो अगर मुझे आर कैलकुलेट करना है यहां से, तो आर की वैल्यू क्या होगी सिंपल ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस लेना, यहां पे ए क्या आ रहा है माइनस का वन, बी क्या आ रहा है बी के अंदर आयोटा काउंट नहीं होगा क्योंकि जब हम उसको मैग्नीट्यूड के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो सिंपल तरीके से सिंपल बी की वैल्यू क्या होगी माइनस का रूट थ्री, क्योंकि जब मॉडुलस वगैरह ले रहे हैं तो आयोटा थोड़ी लेंगे मेरा बच्चा। क्या बन जाएगा आर इज इक्वल टू रूट ए की वैल्यू क्या है माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस के रूट थ्री का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ रही होगी यहाँ पे अंडर रूट का फोर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सिंपल तरीके से टू के बराबर। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एंगल भी निकाल के बताओ, तो एंगल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
बी डिवाइडेड बाई ए। मेरा बच्चा बी की वैल्यू क्या है आपके पास, सिंपल तरीके से आपके पास बी की वैल्यू आ रही है नेगेटिव का रूट थ्री, ए की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आई पर्सनली बिलीव टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री हमारे पास क्या होता है 60 डिग्री होता है। अगेन मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स करना सिखाए हुए हैं तो काइंडली आपको बात मालूम होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, वो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख ले, ये डिमोर्गस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, कहता है इफ 4 CIS पाई बाय 2 और बाहर पावर में स्क्वायर देन r एंड थीटा एंड n की वैल्यू बताओ। अगर मैं आपसे सारी चीजें कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो इसको डिमोर्गस थ्योरम की स्टेट में लेकर आएंगे। अभी डिमोर्गस थ्योरम की स्टेट में नहीं है। डिमोर्गस थ्योरम क्या कहता है कि मेरा बच्चा कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 4 का 4 बन गया। CIS का मतलब क्या है, cos थीटा। यहां पे पाई बाय 2 का मतलब क्या, एंगल, एंगल को कन्वर्ट करवा दो पाई बाय 2 को, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, CIS कैसे ओपन होता है, CIS क्या होता है, cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा। CIS का मतलब क्या है, cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा, यहां पे एंगल मुझे गिवन है तो एंगल cos के साथ भी जाएगा, ऑब्वियसली sin के साथ भी जाएगा, तो क्या बन जाएगा, cos पाई बाय 2 प्लस का आयोटा sin पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज और बाहर एक स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिमोर्गस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। कॉस पाई बाय 2 क्या होता है मेरा बच्चा, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, तो क्या आ गया यहाँ पे, कॉस 90 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 90 डिग्री। अभी काइंडली इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि बाहर पावर आ रही है। डिमोर्गस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, डिमोर्गस थ्योरम क्या कहता है, जो बाहर पावर आ रही है ये पावर इस 4 के ऊपर भी जाएगी तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। फिर आगे क्या कहता है डिमोर्गस थ्योरम कि आपके पास अब जो एंगल क्या हो जाएगा, ये पावर एक बार इस 4 के ऊपर जाएगी, अब ये पावर इन एंगल्स में जाके इन एंगल से मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा, कॉस 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का आयोटा साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा 16 का 16 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 एंड देन 90 2s are 180, तो क्या बन गया, कॉस 180 प्लस का आयोटा साइन 19 into 2 180। तो अगर तो आपसे सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर आर और थीटा मांगा हुआ था तो मेरा बेटा इसको जरा इसके ओरिजिनल फॉर्मूले से कंपेयर करवा दो। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, आर की पावर एन ऐसे कह लो इंटू कॉस, डायरेक्टली लिख लो, कोई मसले की बात नहीं, डायरेक्टली कर लो। तो यहां पे आपके पास वैसे आर क्या आ रहा है, अगर मैं डायरेक्टली भी आपसे पूछना चाहूँ तो डायरेक्टली बता देता हूँ, वैसे ही बता देता हूँ, कॉस एन इंटू थीटा प्लस का आयोटा साइन एन इंटू थीटा। अगर तो आप डायरेक्टली इसको देखना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे एंगल क्या था, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पाई बाय 2 था, आर की वैल्यू क्या थी 4 थी और एन की वैल्यू क्या थी 2। अगर आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हो कि आर क्या था इस क्वेश्चन में 4, एंगल क्या था पाई बाय 2 और पावर क्या थी 2, मगर जब हमने डिमोर्गस थ्योरम को अप्लाई कर दिया तो अब क्या बन जाएगा, आर जब इससे कंपेयर होगा तो अगेन आर की वैल्यू 16 नहीं रहेगी क्योंकि इसके सामने क्या आर की पावर एन, तो यहाँ पे क्या रहेगा 16, एंगल का कन्वर्ट हो गया 180 डिग्री, मगर ये 180 कैसे बन रहा है, जो पावर मल्टीप्लाई बाय एंगल, ओरिजिनल एंगल पाई बाय 2 का था तो n से n यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करवाने 180 आया, तो एंगल अब की बारी में क्या है 180 डिग्री, सेम गोज फॉर n थीटा, n थीटा का मतलब क्या है 2 से आपने जब 180 को मल्टीप्लाई करवाया तभी तो थीटा आया आपके पास, 90 से जब 2 को मल्टीप्लाई करवाया तभी तो आपके पास आया, तो अब का एंगल क्या आया 180 डिग्री। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिमोर्गस थ्योरम बेसिकली अप्लाई करके दिखा दिया किस तरीके डिमोर्गस थ्योरम अप्लाई हो रहा होता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व कर लो, cos 180 की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या होती है आसान सी होती है, cos 180 और sin 180 की वैल्यू, तो आपके पास सिंपल तरीके से cos 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, sin 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या बन गया, अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहा हूं 16 * माइनस का 1 और 0 आयोटा, तो माइनस का 16 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा होगा। अगर आप इसको बेसिक पैटर्न पे सॉल्व करना है तो देखो मैंने इसको आपको डिमोर्गस थ्योरम का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया, यानी कि डिमोर्गस थ्योरम या आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, बेसिकली आपको कुछ भी नहीं इसमें करना, हलवा पका के दिया हुआ होगा, आपने उस हलवे को खाली डिमोर्गस थ्योरम पे अप्लाई करना है। डिमोर्गस थ्योरम बेटा क्या चीज है, बहुत ही मजे की चीज है कि अगर कभी भी आपके पास आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आर बाय पावर आ रही है तो वो पावर एक बार आर की पावर पे जाएगी, वो पावर एक बार cos के एंगल पे जाएगी और एक बार साइन के एंगल पे जाएगी, सिंपल तरीके से आपका डिमोर्गस थ्योरम बन जाएगा, डेट्स ऑल। और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका पर्टिकुलर आंसर आ रहा होगा। यहाँ पे मेरा बेटा अब हम अगले क्वेश्चन से जाने बढ़ते हैं और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन करते हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर NUST में आए, NED में आए, मेहरान में आए, UET में आए और डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज में आए, तो आइए चलते हैं जरा वहाँ पे। अच्छा तो बेटा डिमोर्गस थ्योरम मैंने भी आपको समझा दिया क्या होता है डिमोर्गस थ्योरम।
जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर के साथ आ रहा हो। अगर सिंपल तरीके से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के ऊपर भी कोई पावर आ रही है और अगर ये पावर डायरेक्टली एंगल्स के पास जाएगी तब भी ये डिमोवर्स थ्योरम ही है। यही तो डिमोवर्स थ्योरम है। अब मैंने आपको आर के रेफरेंस समझाया, बात एक ही, चाहे आर के रेफरेंस हो चाहे सिंगल रेफरेंस से आ रहा हो, यानी कि यहाँ पे आर मौजूद हुआ है ना, डजंट मीन, क्योंकि पावर वो तो आर पे सिंपल जा रही है और वो आर एडिटेड रहेगा। डिमोवर्स थ्योरम असल हकीकत में तौर पर क्या है, जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर कभी भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के ऊपर कोई पावर जा रही हो और वो पावर बारी बारी दोनों फंक्शंस की एंगल्स में जाए तो दैट इज द डिमोवर्स थ्योरम। और इसको एक और नाम क्या दिया जाता है, सीआईएस भी कहा जाता है। ये सीआईएस भी डिमोवर्स थ्योरम ही होता है, इसको पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा को आप डिमोवर्स थ्योरम कहते हो। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और क्या होता है, सीआईएस। अब प्रॉपर्टीज होती है मेरा बेटा कोई हमारे पास सीआईएस की, ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कभी भी आपके पास दो पर्टिकुलर डिमोवर्स थ्योरम को डिवीजन आ जाए, यानी कि आपके पास दो डिमोवर्स थ्योरम की डिवीजन आ जाए। डिमोवर्स थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं इसको लेक्चर में आगे चल के मैं सिखाऊंगा आपको, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा, मगर उसको ओरिजिनल मेथड से करवाऊंगा। पहले बता रहा हूं, आप उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, आप उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के ऊपर दो मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जिस पैटर्न पे करवाऊंगा ओरिजिनल मेथड पे करवाऊंगा, ये शॉर्ट ट्रिक आपको पहले बता रहा हूं। कभी भी दो डिमोवर्स थ्योरम अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो, यानी कि दो सीआईएस थीटा 1 डिवाइड बाय सीआईएस थीटा 2, सिंपल सा तरीके से इसका शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या करोगे, प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी दो डिमोवर्स थ्योरम अगर डिवाइड हो रहे हो, सिंपल तरीके से एक बार डिमोवर्स थ्योरम को लिखो और एंगल 1 में से एंगल 2 को माइनस कर दो, इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के डिवीजन के बराबर होगा। सेम गोस फॉर हियर, कभी भी दो पर्टिकुलर डिमोवर्स थ्योरम आपस के अंदर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, सीआईएस थीटा 1 यानी कि पहला डिमोवर्स थ्योरम दूसरे डिमोवर्स थ्योरम से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर या तो तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दो दोनों को आपस में, लंबा सा मेथड होगा। और शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सिंपल तरीके से सीआईएस लिखो और दोनों के एंगल्स को ऐड कर दो, दोनों के एंगल्स को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा और उस आंसर के ऊपर जब सीआईएस ले लो तुम, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास थीटा 1 आ रहा था पाई बाय 2 प्लस का थीटा 2 आ रहा है पाई बाय 3, दोनों को ऐड करने में जो नेट आंसर आ रहा होगा उसका सीआईएस लेने के ऊपर तुम्हारा वही आंसर आएगा जो दो डिमोवर्स थ्योरम को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल किसी को मसला हो रहा था, देख लो सीआईएस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय सीआईएस पाई बाय 3 मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करने के लिए। अब जो बच्चा होगा इसके ओरिजिनल मेथड पे जाए तो ओरिजिनल मेथड तो क्या है, ऊपर अलग सीआईएस को ओपन करोगे, कैसे ओपन होता है मैं भी समझा रहा हूं आपको, टेंशन ही लेनी, नीचे अलग सीआईएस को ओपन करोगे और फिर दोनों को आपस में डिवाइड करवाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन। इतना मुश्किल काम करने से बहुत बेहतर है क्या, सीआईएस लिखो और फिर सिंपल तरीके से पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 3 कर दो, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आंसर मेरे पास आ रहा है, लेट सपोज पाई बाय 1 आ रहा है, लेट सपोज पाई बाय चलो 3 आ रहा है, लेट सपोज मैं सपोज करने को कह रहा हूँ तभी आपसे, सिंपल तरीके जो भी आंसर आता है उसके ऊपर सी आई एस को ओपन कर दो कि आपका ये वही आंसर आएगा जो इन दोनों को पहले सी आई एस ओपन करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करवाने पे आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक ये दो प्रॉपर्टीज आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है, कभी भी दो डिमोवर्स थ्योरम्स अगर आपस में सी आई एस आपस में डिवाइड हो रही हो वो बराबर होते हैं किसके, सिंगल सी आई एस थीटा 1 माइनस थीटा 2। कभी भी दो सीआईएस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो किसके बराबर होती है, सिंगल सीआईएस इनटू थीटा 1 प्लस का थीटा 2। ये दो बातें बेटा आपने अपने जहन में रखनी है और यहाँ पे डिमोवर्स थ्योरम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए जरा इसके अभी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए नस के क्वेश्चन जरा देखना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको बात क्लियर हुई नहीं हुई, किस तरीके से सीआईएस को ओपन किया जाता है, आइए जरा वो देख लेते हैं। अच्छा तो बेटा यहाँ पे जो सी आई एस आ रहा होता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल तरीके से सी इज रिप्रेजेंटिंग द कॉस, आई इज रिप्रेजेंटिंग द आयोटा एंड एस इज रिप्रेजेंटिंग द साइन थीटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक के अंदर पूरी मैथ्स के अंदर सी आई एस का मतलब क्या होता है, सी आई एस बेसिकली डिमोवर्स थ्योरम के शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यानी कि मेरा एक क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल तरीके से इसका मतलब क्या है, रूट थ्री का रूट थ्री एज इट इज, मुझे सी आई एस का एंगल गिवन है यानी कि थीटा की वैल्यू गिवन है, तो कैसे ओपन करूंगा इसको, सिंपल तरीके से ओपन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस 7 पाई बाय 6 प्लस का आयोटा साइन 7 पाई बाय 6, क्या बन जाएगा, साइन 7 पाई बाय 6। अच्छा भाई अब सिंपल तरीके से मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, वैल्यू को फाइंड करने का मतलब क्या है, मुझे इसका फाइनल सॉल्यूशन चाहिए, जो कि ऑब्वियसली इसका जो भी इसका पर्टिकुलर आंसर है मुझे उसको फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, मुझे इसको फाइंड करना है, सॉल्व करना है। अच्छा कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, क्या आसान तरीका है, आइए जरा भी देख लेते हैं। भाई मेरा बच्चा देखो, मेरा प्यारा बच्चा देखो,
ये रूट थ्री जो बाहर है ना, ये एज इट इज का एज इट इज है, ये रूट थ्री जो बाहर है एज इट इज का एज इट इज है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि आर या थीटा में से कुछ फाइंड करना है, तो इसका मतलब इसको जनरली सिंपल सिंप्लीफाई करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ आया कि इसको इसके अंदर से आपने आर थीटा कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको सिंपल इसको जनरल फॉर्म पे सिंप्लीफाई करना है। जनरल फॉर्म पे सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि आपने सिंपल इसको सिंपल मेथड के ऊपर सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसके अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। आर और थीटा के लिए जो आपने फॉर्मूला मैंने सिखाया उसके ऊपर भी नहीं जाना। किस तरीके से 7 पाई बाय 6 इसके बराबर होता है 210 होता है। 7 पाई बाय 6 क्या होता है, रेडियन फॉर्म से डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करो 210 बन जाएगा। तो सिंपल तरीके से cos 210 की वैल्यू क्या होगी मेरे बेटा, माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। cos 210 की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, सिंपल तरीके से माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस का आयोटा एज इट इज का एज इट इज, प्लस का आयोटा एज इट इज का एज इट इज। साइन 210 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, अगेन ये भी बहुत इजी वैल्यू होती है। साइन 210 का आंसर क्या होता है, सिंपल तरीके से साइन 210 की वैल्यू मेरे पास आई गेस माइनस का हाफ होगी। क्या होगी मेरा बच्चा, माइनस का हाफ होगी। क्लियर है यहाँ तक की बात, आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से रूट 3 बाहर एज इट इज का एज इट इज इंटू माइनस का रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस का आयोटा डिवाइड बाई 2। अब जो बाहर रूट 3 अंदर वाली दो टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कभी भी दो टर्म्स अगर उनकी बेसिक बेस ऑफ रूट सेम होगी तो क्या होता है, बहुत बार सिखा चुका हूं, कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो और उनके नीचे आने वाली बेस के अंदर वैल्यू सेम हो तो रूट खाली कैंसिल आउट हो जाता है, वो टर्म एक बार लिखी जाती है। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। और जब ये रूट 3 माइनस का आयोटा डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आयोटा। ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या कहा, कैसे सॉल्व करा, दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल तरीके से आ रहा है रूट 3 सीआईएस 7 पाई बाय 6। इस क्वेश्चन में चूंकि आपको कुछ बताया हुआ नहीं है कि आपको किस पर्टिकुलर मेथड पे निकालना है, आपको आर्गुमेंट कैलकुलेट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको पोलर फॉर्म पे नहीं लेकर आना, आपको सिंपल तरीके से कहा जा रहा है जो सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, सीआईएस का मतलब क्या होता है, सीआईएस का मतलब ये होता है कि कॉस आयोटा और साइन थीटा। तो सिंपल तरीके से सीआईएस को ओपन कर दिया, थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 6 गिवन है, 7 पाई बाय 6 का मतलब है 210। ये जो रूट 3 आपको पहले गिवन था एज इट इज चलता जाएगा, क्या बन गया, कॉस 7 पाई बाय 6 प्लस का आयोटा 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है 210 और साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का हाफ। सिंपल तरीके से आपका रूट 3 जो होगा अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा दोनों वैल्यूज का। बताइए मेरा बच्चा कोई मसला आपको इस चीज के अंदर, अगर आपको कोई भी इशू है आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों, सिंपल तरीके से सॉल्व करा, cos 210 की वैल्यू आ जाएगी, sin 210 की वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में जो रूट 3 ब्रैकेट के बाहर होगा अंदर वाई दोनों टर्म्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रूट के अंदर उनके नीचे वाली टर्म बेसिस सेम होती है तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, वो टर्म एक बार लिखी जाती है। इसलिए क्या बन गया, रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस का सिंपल 3 आ गया और ये माइनस एंड का नीचे डिवाइड बाय 2 है इट इज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम गोज फॉर हियर, कि यहाँ पे आपके पास सिंपल तरीके से जब रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई तो क्या बन गया, माइनस का रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, अगेन एनईडी साइड, नस साइड, आईबीएस साइड, ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का, आईबीएस साइड भी बहुत ज्यादा आता है। आईबीएस साइड आपके पास फास्ट साइड, जीआई की आई साइड, यूईटी लॉर साइड, मेहरान साइड, बेताशा, हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं भाई, हर यूनिवर्सिटी में। क्या कह रहे हैं, अगेन 2 सीआईएस पाई बाय 6 को सॉल्व करने को दे रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके से किस पैटर्न पे सॉल्व करूंगा। भाई देखो क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ आर्गुमेंट निकालना है, क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि तुमने इस क्वेश्चन को किस पैटर्न पे सॉल्व करना है तो फिर सिंपल मेथड पे सॉल्व करोगे। अगर तो क्वेश्चन में गिवन होता कि तुमने आर्गुमेंट या पोलर फॉर्म पे निकालना है तो फिर आर या थीटा से निकाल सकते हो, मसले की बात नहीं होगी। मगर यहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ तो सिंपल इसको पर्टिकुलर मेथड पे सॉल्व कर लेंगे। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, देखो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, 2 का 2 एजिट इज, सीआईएस का मतलब क्या अभी सिखा दिया, सी स्टैंड फॉर कॉस, प्लस का साइन आयोटा, साइन का साइन एजिट इज सीआईएस, और पाई बाय 6 का मतलब क्या है कि आपको सीआईएस के एंगल्स गिवन है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाय 6 प्लस का आयोटा साइन पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 क्या होता है, आपकी बेसिक मैथ अच्छी है तो रेडियन से डिग्री में फॉर्म कन्वर्ट कर पा लीजिए, आई गेस सिंपल तरीके से 180 बाय पाई तो 30 बन जाएगा, कॉस 30 प्लस का आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30। मेरे प्यारे बच्चों कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, बेसिक एंगल्स आपको 30, 45, 60, 90 आने चाहिए अल्लाह के वास्ते। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सी होती है, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होती है, प्लस का आयोटा एजिट इज का एजिट इज। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, हाफ का हाफ। अब जब मैं ये बाहर वाले 2 को अंदर आके मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का आयोटा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास क्वेश्चन का, रूट 3 प्लस का आयोटा, क्या आंसर आ रहा होगा, रूट 3 प्लस का आयोटा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ मेरा बच्चा इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल चीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम्हें लव सीआईएस खाली समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सी स्टैंड फॉर कॉस, आई स्टैंड फॉर आयोटा, एंड एस स्टैंड फॉर साइन,
और एंगल तुम्हें गिवन है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरा बच्चा बताओ कोई मुश्किल चीज है इसके अंदर? कोई मुश्किल चीज नहीं, मुश्किल चीज भाई। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, थोड़ा डिफिकल्ट करके दे दिया एग्जामिनर ने, ये सोच के शायद पता नहीं बच्चे को सॉल्व नहीं होगा, बट मेरे स्टूडेंट हो इंशाल्लाह तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा है? 5 CIS 3π/4। अगेन क्या मतलब मेरा बेटा इसका? बहुत ही आसान सा मतलब है बच्चों वाला क्वेश्चन। क्या मतलब बेटा? 5 का 5 CIS का मतलब cos, और एंगल यहाँ पे क्या गिवन है? 3π/4 प्लस का आयोटा 7, और अगेन एंगल क्या गिवन है? 3π/4। सिंपल तरीके से ये लिख दिया आपने, क्या बन गया? 5 cos का 3π/4 प्लस का आयोटा साइन 3π/4। अब 3π/4 की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो cos 3π/4 क्या होता है? सिंपल, 3π/4 किसके बराबर होता है? अगेन रेडियन फॉर्म से डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जल्दी से, क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से 3π/4 डिग्री के फॉर्म में कैसे जाऊंगा? 180 से पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 के टेबल में 18 कहां आएगा? 4 नहीं आएगा। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? 4 × 4 = 16, 4 के ऊपर 4 × 12, एंड देन आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? 135 आ रहा होगा, 135 का बनेगा, सही है। तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? cos का cos 135 डिग्री, 3π/4 किसके बराबर होता है? 135 के, प्लस का आयोटा sin का sin, एज इट इज 3π/4 किसके बराबर होता है मेरा बच्चा? 135 के। कर लिया यहां तक। अब सिंपल तरीके से cos 135 की अगेन वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। अगर आप नस साइड पे अप्लाई कर रहे हो, मेहरान साइड पे अप्लाई कर रहे हो, KU साइड पे, दाऊद साइड के ऊपर, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर नस साइड के ऊपर, UET साइड के ऊपर, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। सिर्फ कराची की 1-2 या पूरे पाकिस्तान में हरी 2 यूनिवर्सिटी बच्चों को निकम्मा बना रही है कैलकुलेटर अलाउ करके, बाकी बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो बेटा आपको इसके बगैर सॉल्व करना आना चाहिए अल्लाह के वास्ते। बेसिक मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो लोग कैलकुलेटर जिनकी यूनिवर्सिटीज में अलाउ होगा उन्हें काइंडली आप भी कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने की कोशिश करो इजीली। तो cos 135 की वैल्यू क्या होती है मेरा बच्चा? आई गेस सिंपल तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ रही होगी, सही है, 1/√2 होनी चाहिए माइनस के साइन के साथ। यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस का आयोटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल साइन 135 क्या होगा? जो cos 135 होता है एक्जैक्टली सेम साइन 135 होता है, क्योंकि दोनों की 45 का एंगल सेम होती है। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव के साइन के साथ, पॉजिटिव के साइन के साथ 1/√2। इस तरीके से ये आ गया। क्या किया भाई? cos 135 की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1/√2, और साइन 135 की वैल्यू क्या होती है? सिंपल 1/√2। अब फाइनली इनको सॉल्व करवा लूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ रहा होगा माइनस का 5/√2 प्लस का आयोटा, 5 जाके अंदर ही मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा? 5/√2। यहाँ से 5√2 को कॉमन ले लो, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा? माइनस का 1 प्लस का आयोटा। चेक कर लो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। आप इजीली इसको चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया? माइनस के 5/√2 को कॉमन लिया हुआ है, ताकि अंदर क्या बन सके? 1 माइनस का आयोटा। तो उसने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके बाहर निकाला हुआ है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 5/√2, 1 माइनस का आयोटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो जाए। अच्छा तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जाने आ रहे हैं, जो कि बेतहाशा नस साइड पे आ चुका है, GIKI साइड पे आ चुका है, UET लॉर साइड पे आ चुका है, NET साइड पे आ चुका है। इससे हल्का ही क्वेश्चन NET साइड पे आया होगा, मगर NET साइड पे पूछे जा सकते हैं, मेहरान साइड पे भी। बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में जरा गौर से पढ़िएगा। अभी तक मैंने आपको CIS का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझा दिया, अब इस क्वेश्चन में खास बात के आगे चलकर आपको समझाता हूँ। पहले क्या कह रहा है? 5 CIS π/3 / 2 CIS π/2। क्योंकि क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, क्योंकि 2 CIS के फंक्शन भी फादर डिवाइड करने पड़ जाएंगे, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरा बच्चा पाई बाय थ्री का मतलब क्या है? डायरेक्टली एंगल। पाई बाय थ्री किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के, और पाई बाय टू किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो CIS को जरा ओपन कर लेते हैं, ओपन करने का तरीका आपको सिखा चुका हूँ। CIS क्या होता है? कॉस। तो एंगल क्या गिवन है मुझे? पाई बाय थ्री यानी कि 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 60 डिग्री, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 2 का 2 एज इट इज। अगेन क्या बन जाएगा? कॉस 90 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक की बात? पहला स्टेप तो मेरे ख्याल में तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, क्योंकि हमने सिंपल तरीके से फंक्शंस को ओपन करा है, हमने कोई मुश्किल मैथ अप्लाई नहीं करी, सिंपल फंक्शंस को एक्सपेंड कर दिया, CIS को खोल दिया ऊपर भी और नीचे भी, एक काम तो ये कर लिया। दूसरे नंबर पे बेटा क्या काम करेंगे, आइए जरा और से देखिएगा। अब सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 5 का 5 एज इट इज। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? अगेन बेसिक वैल्यू मेरा बच्चा आपको आनी चाहिए। cos 60 होता है हाफ प्लस का साइन, आयोटा का आयोटा एज इट इज। साइन 60 क्या होता है? आई गेस √3/2। तो यहां पे √3/2 आ गया।
नीचे डिवीजन में अगेन देखिए 2 का 2 एज इट इज, cos 90 की वैल्यू मशहूर जमाना 0, sin 90 की वैल्यू सिंपल 1 और आयोटा का आयोटा एज इट इज। अब जब अगर इसको आप एक्सपेंड करवा दें तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन रहा होगा, चलो एक्सपेंड ना भी करवाओ खैर हो गई, नहीं करवा दो मसला नहीं है क्योंकि सिंपली बाद में करना होगा ना, क्या बन जाएगा ऊपर 5 / 2 प्लस का 5 √3/2 इंटू आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा 2 0 + 0 प्लस का 2 iota। अब फाइनली इसको फर्दर भी सॉल्व करना है क्योंकि अभी आपने CIS खाली अप्लाई करा, अब चूंकि जो आपके 4 options गिवन होंगे वो मैं लिखे नहीं मैंने क्योंकि लंबी हो जाती फालतू में, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो आपके जो 4 options होंगे वो फर्दर सिंप्लीफाइड आंसर के फॉर्म में होंगे, अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। पहला इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि CIS को अप्लाई करना, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, 2 complex numbers को कैसे डिवाइड किया जाता है, लेक्चर नंबर 1 में सिखा चुका हूं, तभी ये क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आया नस साइट के ऊपर, यूटी लाहौर साइट के ऊपर, एनईटी साइट के ऊपर या मेहरान साइट के ऊपर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, कि भाई ना सिर्फ यहां पे CIS का कॉन्सेप्ट आ रहा है बल्कि यहां पे जब इसको डिवाइड करवाओगे जाहिर सी बात है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी तो अप्लाई होगा। क्या कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन का, कि जो भी नीचे वाली टर्म हो सेम टर्म को लो उसके नेगेटिव पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। क्या कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन करवाने का 2 complex numbers की, कि जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है, जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है सेम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाओ बट उसके नेगेटिव पार्ट से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 / 2 प्लस का 5 √3/2 इंटू आयोटा, नीचे क्या आ रहा था 0 + 2 iota, इसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे 0 - 2 iota ऊपर भी और नीचे भी, ये 0 - 2 iota ये ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी की पूरी नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन रहा होगा आइए देख लेते हैं भाई। 0 से मल्टीप्लाई करवाने तो मकसद ही नहीं है, -2 iota की वजह, 0 - 2 iota का मतलब क्या -2 iota, तो ये -2 iota इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, जब ये -2 iota 5 / 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन रहा होगा 5 / 2 इंटू -2 iota, और फिर ये -2 iota इस पूरी टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा किससे 5 √3/iota इंटू -2 iota, और ये नीचे -2 iota क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से +2 iota ये हो जाएगा -4 iota square, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बन जाएगा -5 iota, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट और क्या बन जाएगा ±, और iota square और सिंपल 5 √3 यानी कि 5 √3 iota square ऊपर बन रहा होगा, नीचे क्या आ रहा है नेगेटिव का 4 iota square। बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के, कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है नेगेटिव के 1 के, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा नेगेटिव का 5 iota माइनस का साइन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के 1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 √3/ अगेन आयोटा स्क्वायर माइनस के 1 के, तो क्या बन जाएगा प्लस का 4। इसको फर्दर अगर आप इसको ब्रेक कर दीजिए ताकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट को फाइंड कर सकें, तो क्या बन जाएगा 5 √3/4 माइनस का 5 / 4 आयोटा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ CIS का कॉन्सेप्ट था बल्कि 2 complex numbers की डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी था, क्योंकि ऑल्दो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे बट स्टिल यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को मैंने जानबूझ के करवाया, इस क्वेश्चन को जानबूझ के लेकर आया NS के पास पेपर से, आपको इजिली ये डिमोवर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ये आर्गुमेंट का क्वेश्चन, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट CIS के इजिली हल कर सके आप। अच्छा तो बेटा अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेताशा बार नस साइट के ऊपर, एनईडी साइट के ऊपर, मेहरान साइट के ऊपर, यूटी साइट के ऊपर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अब जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो तो ये सोच रहा है सर ये CIS ही तो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन यूटी साइट के ऊपर ऐसे भी पूछा चुका है 3 CIS π/6 inverse, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा चुका है, बस यहाँ पे सॉरी ये सिंबल ले लिया जाए, ये सिंबल ले लें आप यहाँ पे, ये मॉड का सिंबल लगाया हुआ है। इस क्वेश्चन की खास बात की बड़े मजे की है, यहाँ पे आपसे पहले CIS को मालूम करने को कह रहे हैं और फिर मॉड मालूम कर रहे हैं, यानी कि डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है डिमोवर्स थ्योरम, कि यहाँ पे बाहर पावर दे दी, तो क्या मैंने अभी आपको स्टार्ट के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में नहीं बताया कि किस तरीके से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, कभी भी तुम्हारे पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए किस तरीके से सॉल्व करोगे। मेरा बच्चा बहुत ही आसान तरीका, लिटरली बहुत आसान तरीका। क्या आसान तरीका है, सबसे पहले जरा गौर करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में इधर और इधर क्या आ रहे हैं आपके पास मॉड के सिंबल आ रहे हैं, इन मॉड के सिंबल का मतलब ये है कि भाई सिंपल तरीके से पहले डिमोवर्स थ्योरम की कंडीशन को अप्लाई कर दो, ये 3 का 3 एज इट इज, ये एज इट इज, बाहर जो पावर आ रही है वो पावर किसके ऊपर जाती है दोनों एंगल्स के ऊपर जाती है, क्योंकि यहां पे पावर खाली इन दोनों टर्म्स पे आ रही है, अकॉर्डिंग टू डिमोवर्स थ्योरम ये पावर जो जाती है किसके पास जाती है दोनों एंगल्स के पास जाती है, तो ये पावर इस पे भी जाएगी cos नेगेटिव का π/6 प्लस का iota sin नेगेटिव का π/6 बन गया, सही है ना।
पाई बाय 6 के बराबर होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से बराबर होता है 30 डिग्री के। तो क्या बन गया, कॉस माइनस का 30 डिग्री प्लस का आयोटा साइन माइनस का 30 डिग्री। अच्छा मेरा बच्चा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बहुत ही आसान सी, रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सिंपल तरीके से रूट 3 डिवाइड बाई 2 प्लस का आयोटा। साइन 30 की वैल्यू नॉर्मली हाफ होती है, माइनस का 30 के ऊपर क्या आ रही होगी, नेगेटिव का हाफ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव का हाफ। और बाहर ये मॉडुलस का सिंबल, एजिटिस का एजिटिस। यहां तक का काम तो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, कोई मसले की बात नहीं थी। अब जो बाहर थ्री है उसके अंदर, उसको अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंदर वाली तमाम टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो काम, सॉरी, जब बाहर वाले थ्री को अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो काम अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, अगर यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट होता तो अभी भी वही काम करते। मगर ये क्वेश्चन, इसकी खास बात है यहाँ पे मॉडुलस गिवन है, इसका मतलब आपके पास जो भी अंदर टर्म्स आ रही है आपने इनका मॉड लेना है। अंदर मॉड क्या होता है, सिंपल तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। और मॉडुलस कैसे लिया जाता है, मैं अगेन फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियरली समझा चुका हूं, अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया मॉडुलस क्या होता है, रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से रियल टर्म क्या आ रही है, ए इमेजिनरी टर्म ही पूरी की पूरी आ रही है। तो अगर मैं यहां पर डायरेक्टली इसका मॉड ले लूं अंदर ही, क्या बन जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस का साइन माइनस के। मॉड के अंदर आप आयोटा के साइन को भी काउंट नहीं करते, आयोटा खत्म हो जाता है, सिंपल ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ए क्या होता है, रियल टर्म, बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टर्म, इमेजिनरी टर्म। तो क्या बन जाएगा, रूट 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर और माइनस के हाफ का स्क्वायर। तो क्या बन रहा होगा आपके पास, भी सिंपल से यार ले लोगे, क्या हो जाएगा, ऊपर तो अंदर आ जाएगा रूट के अंदर 3 और नीचे क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से 2 का स्क्वायर 4 प्लस का साइन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 2 का स्क्वायर। सिंपल तरीके से 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है सो ऐड हो जाएंगे टर्म, एलसीएम सेम है दोनों का, तो 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। कैसे भाई, 4 डिवाइड बाई 4 का आंसर क्या आएगा, 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है मेरा बच्चा, सिंपल 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ गया, 3 इसका आंसर होगा। देखो मेरा बेटा, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को और मसला हो रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल तरीके से 3 cos पाई बाई 6, मॉड का सिंबल लगा हुआ है, प्लस का आयोटा साइन पाई बाई 6 और बाहर पावर गिवन है। चूंकि सीएनएस का थ्योरम आ रहा है, डिमोवर्स थ्योरम आ रहा है, क्या करेंगे, पावर को बारी बारी दोनों एंगल्स पर डाल देंगे। सिंपल तरीके से कॉस माइनस 30 की वैल्यू फाइंड कर ली, साइन माइनस 30 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे जो सिंबल लगा हुआ है, सिंबल मॉड का लगा हुआ है। मॉड का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से रियल पार्ट का स्क्वायर लोगे अंडर रूट में, कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर लोगे इमेजिनरी पार्ट का। तो सिंपल तरीके से लूंगा, सिंप्लीफाई करवाऊंगा, मेरे पास अंदर आंसर आ जाएगा मॉड का, उसको बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बेटा हमें। अच्छा तो बेटे, अब लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैंने कम्प्लीटली आपको समझाया कि आर्गुमेंट क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होती है, क्या नहीं होती। सिंपल तरीके से अगर हमारे पास क्या आ रहा हो बेटा, डिमोवर्स थ्योरम क्या होता है, CIS बेस्ड थ्योरम जो कि डिमोवर्स थ्योरम ही होता है, किस तरीके से कर रहे होते हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई, डिमोवर्स थ्योरम स्टेट डेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर आ रही हो, भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो पावर बारी बारी दोनों एंगल्स के पास जाएगी, चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में से चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पावर बारी बारी दोनों के देखिए एंगल्स में गई हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्या कह रहा है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द जेड। अभी ये बात समझाई मैंने आपको कि आर्गुमेंट क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिंपल थीटा यानी कि एंगल क्या होता है बेटा, सिंपल तरीके से एंगल क्या कहते हैं, उसको एंगल कहते हैं। तो एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए। अगेन वो मजे की चीज, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कह रहा है, कहता है इफ द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर्क जेड, देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द जेड इज गिवन बाय डैश। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फिर इसको फाइंड करने का पैटर्न होता है। अगर आपको सिंपल आर्गुमेंट कह रहा है कि आर्क जेड है, अगर सिंपल आर्गुमेंट को उसने आर्क जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे आएगा, 2π को ऐड करने के ऊपर। ये एक बेसिकली थ्योरम होता है, क्या कहा मैंने, अगर आपसे कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका सिंपल आर्गुमेंट क्या आ रहा है, आर्क जेड, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे आ रहा होगा, कुछ भी नहीं करना, आपका जो भी पर्टिकुलर एंगल है जिसको उसने आर्क जेड कहा हुआ है, उसके अंदर आप 2kπ कर दोगे, k एक डायमेंशन तक की लेंथ प्लस का पाई यानी कि जहां तक का प्रिंसिपल आपको एंगल चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 एक थ्योरम से रेफरेंस कर रहा होता है, एक थ्योरम का रेफरेंसल पार्ट आ रहा है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आ रहा है बेटा, एक थ्योरम से रिप्रेजेंट कर रहा होता है और थ्योरम का पार्ट आ रहा है। क्या कह रहा है कि कभी भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गुमेंट को अगर मैं आर्क जेड से डिनोट कर दूं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे आएगा? सिंपल तरीके से उस एंगल के अंदर दूसरे एंगल का इजाफा करने के ऊपर वो मेरे पास प्रिंसिपल एंगल आ जाएगा। अगर सिंपल एंगल आर्क जेड है तो प्लस का 2 पाई कर दूंगा जो कि मेरे पास 180 डिग्री के 360 डिग्री के बराबर होगा, तो 2k पाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल एंगल आ जाएगा। यहां तक की बात आएगा तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी बेटा। तो यहां पे इस लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा।